मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर दो कब्रों के पास से हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन दोनों को अजाब कब्र हो रहा है। आप बताओ अजाब कब्र क्या मामूली चीज है? बरज़ख़ का अजाब तो बहुत सख्त है, आग का अजाब है। इन दोनों को अजाब कब्र हो रहा है और फरमाया वमा युअज़्ज़बानि मिन कबीरिन, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है जिसकी बुनियाद पर इनको अजाब हो रहा है। अला वहुमा कबीरानी अव कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया लेकिन वो हकीकत में क्या है? वो कबीरा है। क्या मतलब? ये ऐसा गुनाह किया करते थे जो कबीरा था, तभी तो अजाब हो रहा है ना। सगीरा पे अजाब नहीं होता, कबीरा पे अजाब होता है। फरमाया लेकिन उर्फ में उसको कबीरा समझा नहीं जाता, उस जुर्म को हल्का समझा जाता है। पता ये चला, कबीरा गुनाह वो है जिसको शरीयत ने कबीरा करार दिया। हमारे कहने से नहीं होता कि यार दाढ़ी कटाने से क्या होता है। लोग कह देते हैं दाढ़ी तो एक इंसान के जज्बात हैं, रख ले ठीक है, नहीं रखे तो भी ठीक है। ना 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 ना, ना। नहीं रखे तो ठीक नहीं है, ये जहन में, नहीं रखे तो ठीक नहीं है, फितरत की मुखालफत है। तो मैं वो कब्र का किस्सा सुना रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों को अजाब हो रहा है कबीरा गुनाह की बुनियाद पर, मगर इसको कबीरा समझा नहीं जाता। फरमाया इनमें से एक वो थे जो पेशाब की छींटों से बचते नहीं थे, और दूसरे वो था जो चुगलियां लगाया करते थे, लड़ाई इधर की उधर, उधर की इधर, उसकी बात इसके मुंह पे, उसकी बात। अब बाज़ दफ़ा इंसान अपने राज की बात किसी को बताता है, यार वो फला बंदा ऐसा है, आपने फला को जाके बता दी वो तुम्हारे बारे में ये कह रहा था, फिर उसने दो तीन गालियां निकाली, आपने उसको बताया तुम्हें ऐसी ऐसी गालियां दे रहा था वो। होता है ना ऐसे, हर महल्ले में होते हैं, घरों में होते हैं। नंदे लड़वाती हैं मियाँ बीवी को, भाभी, नंद का उलट क्या होता है? भाभी होता है। नंद लड़वाती हैं भाभी को और अपने भाई को भाभी से लड़वा देती हैं, उसकी इधर लगाई। मियाँ बीवी को लड़वाना तो बहुत ही बड़ा जुर्म है अल्लाह के बंदो। तो शैतान इस पर अमल पे इतना खुश होता है, हदीस में आता है कि शैतान किसी अमल से इतना खुश नहीं होता जितना उस बंदे से खुश होता है जो मियाँ बीवी को लड़वा के आए। उधर की इधर, इधर की उधर, खाम खाम में उनको रहने दो, चलो एक गलत है तो गलत ही, जब खुशी से हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं तो तुम्हें क्या जरूरत है उनको लड़वाने की। एक आदमी आया, एक साहब मुझे कहने लगे, मेरे घर में एक बंदा आया, कहने लगा कि मेरी बीवी घर में सफाई सुथराई करती नहीं है, घर गंदा रखती है। तो एक खातून आई, वो कहने लगी मुझे फ़ोन करके, आपकी बीवी ने तो घर को कबाड़ बनाया हुआ। कह रहे उस दिन से मुझे अपनी बीवी की नफरत दिल में पैदा हो। तो मैंने कहा कबाड़ बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ, जब आप उस कबाड़ पर ही खुश हो अपनी बीवी के साथ तो किसी तीसरे को एतराज़ करने की क्या ज़रूरत है? आगे कितनी गलत बात है, किसी के घर में जाके उसमें ऐब देखो और उसकी बीवी की बुराई, शोहर को और शोहर की बुराई। अब बाद शोहर होते हैं बाहर आंख में टक्का कर रहे होते हैं, आजकल तो मार्केट में इसी किस्म के शोहर आ रहे हैं ज्यादातर, बाहर आंख में टक्का कर रहे हैं। अब किसी ने देख लिया, बीवी को जाके बता दिया तुम्हारे मियाँ की तो ये हरकतें, भाई गलत हरकतें हैं तो मियाँ को बताओ ना, भाई तुम ये क्या कर रहे हो आंख में टक्का, यार आंख में टक्का तो समझते हैं ना, करते हैं तो समझते क्यों नहीं होंगे, माजरत के साथ आप लोग नहीं करते लेकिन जो लोग कर रहे हैं वो तो समझते होंगे ना। तो अब बीवी को जाके क्यों बता रहे हो, उसके दिल में शोहर की बुराई आएगी, भाई उसको तो ये बताओ तुम्हारा शोहर बहुत अच्छा है ताकि उसके दिल में मोहब्बत हो। अगर वो गलत है तलाक के बाद क्या होगा, क्या ऐसा अच्छा शोहर मिल जाएगा? अभी तो आंख मटक के वाला मिला है, अभी दूसरा वो इससे भी बड़ी फिल्म होगा, वो पता नहीं क्या हो क्या निकले और घर बच्चे रुल जाएंगे, बड़ी मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। तो चुगलियां लगा के दोस्तों में लड़ाइयां पैदा करवाना, इमाम मस्जिद को मुख्तदियों से बदगुमान करना, मुख्तदियों को इमाम से बदगुमान करना, कमेटी को इंतजामिया को इमाम से, इमाम को इंतजामिया से, हर आदमी एक दूसरे के खिलाफ लड़वा रहा है एक दूसरे। मोहब्बत की बातें कम हो रही हैं, लड़ाई की बातें, भाई भाई को लड़वाया जा रहा है, बहन बहन को लड़वाया जा रहा है, सब पता नहीं हम बचे हुए कैसे। इसी तरह याद रखो, हुकूमत को आवाम से लड़वाना, आवाम को हुकूमत से लड़वाना, ये भी गलत है। ये बात याद रखो, इस वक्त इस्लामी मुल्कों में जितने भी हुक्मरान हैं, करप्ट भी क्यों ना हो लेकिन उन करप्ट हुक्मरानों का भी रहना ना रहने से बहरहाल बेहतर है।
ابھی میرے پاس لوگوں کی کلپس آتے ہیں کہ سعودی عرب کے بادشاہ نے امریکہ کے ساتھ یہ کیا، اتنے اس کو کروڑوں روپے کے تحفے دے دیے. میں کہتا ہوں غلط کیا. سعودی عرب کے بادشاہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. امریکہ کی غلامی میں بہت ہی زیادہ آگے نکل گئے ہیں یہ لوگ، واقعی غلط کر رہے ہیں. کروڑوں روپے کے اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کو ہدایہ دے دیے، اس کی تعریفیں اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے پیچھے جا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر سعودی عرب میں وہاں حکمرانوں کے خلاف قوم کھڑی ہو گئی تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اس کا نقصان ہوگا. اس کا نقصان ہوگا، سعودی عرب ٹوٹ جائے گا، یہاں روافض کا قبضہ ہو جائے گا، حرمین ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. بڑے خطرات ہیں. تو بھائی ٹوٹ رہے نہ دو کسی چیز کو، بھائی جیسے تیسے ہیں، بس زمان کی حد تک اعتراض. بھائی سعودیہ کے بادشاہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال رہنے دو، کیونکہ ابھی وہاں اگر جمہوریت آئے گی تو لائے گا کون اور کس کی مرضی کا آدمی آئے گا؟ افغانستان میں جمہوریت ہے، نام کی ہے، بیٹھے ہوئے کس کے چمچے ہیں؟ امریکہ کے چمچے بیٹھے ہوئے، اور افغانستان کا بیڑا غرق کرتے چلے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں افغانستان سے پتہ نہیں کیا کیا دھاتیں نکال رہے ہیں. لیبیا میں قذافی کو اتروا دیا یہ کہہ کے کہ ظالم میں تھا، وہ ظالم میں مانتا ہوں، لیکن جیسا بھی تھا بہرحال اس کا ہونا نہ ہونے سے بہتر تھا. اس کی حکومت گئی ہے، لیبیا کے سارے وسائل پر اسلام دشمنوں کا قبضہ ہو گیا، سارے وسائل پر کس کا قبضہ ہو گیا؟ اسلام. عراق میں صدام حسین جیسا مرضی تھا، عیاش تھا، ظالم تھا، جو مرضی تھا، لیکن اس کو ہٹا کے ہمیں کیا ملا؟ کیا خلافت قائم ہو گئی وہاں پہ؟ بولو بھائی، سارے وسائل کس کے قبضے میں؟ اسلام دشمنوں کے قبضے. وہ تیل کے کنویں بھر بھر کے لے رہے ہیں، اتنا انہوں نے تیل جمع کر لیا، موجہ ہی موجہ، اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. او بھائی جو مر تو ہاتھ حکمرانوں کے خلاف عوام کو ایسا کر دینا کہ وہ تلوار لے کے ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں. ہاں زبان سے جہاد ضروری ہے، ان کی غلط پالیسیوں پہ ان کو ٹوکنا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ صحیح ہو رہا ہے، یہ تو ضروری ہے، کیونکہ یہ ورنہ یہ بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے. لیکن ان کے خلاف اگر لڑو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہاری رہی صحیح قوت بھی ختم ہو جائے گی. تو نہ لڑو، محبت میں پیدا کرو گھروں میں بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ کبیرہ گناہ کی وجہ سے. ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے اور دوسرے چغلیاں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ رکھی ہری، فرمایا جب تک یہ ہری ہے لعلہ یخفف عنہما، شاید ان پر عذاب کم ہو جائے. تو اب یہاں ایک بات ہے، یہ یاد رکھو، قبروں پہ ہری شاخیں لگانا جائز نہیں ہے. یہ نبی کی خصوصیت تھی، کیونکہ کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے قبر پہ درخت لگایا ہو یا شاخ لگائی. تو یہ غلط ہے، لوگ قبروں پہ درخت لگا دیتے ہیں. درخت لگائیں گلی محلے میں جہاں پبلک ہوتی ہے. مردے پبلک کے حکم سے خارج ہو گئے ہیں. آپ کہیں گے وہاں بھی تو بہت زیادہ پبلک ہے، لیکن ان بیچاروں کو درختوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ تو خود درخت کی کھاد بن جاتے ہیں بیچارے، تو جڑیں قبروں میں چلی جاتی ہیں، تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. بلکہ اور یہ قبرستان میں درخت لگانے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ سارے ہیروئن کی چرسیوں کو وہاں چھپنے کی جگہ میں، سارے زانی وہاں پہنچ جاتے ہیں، سارے عامل اور جادوگر وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو اب آپ جا کے دیکھو یہ اتنے گھنے قبرستان ہیں کہ اس میں مردوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. مردہ تو قبر کے اندر ہے نا، اس کو تو ایئر کنڈیشن بھی لگا دو بیچارہ، اس کے لیے تو یہ دنیا ختم ہو گئی اس کا. بلکہ مردوں کو نحوست ہو رہی ہوگی ان کی، جو وہاں پر جو غلط حرکتیں ہو رہی ہیں اس کی نحوست شاید مردوں کو نقصان نہ پہنچا رہی ہو. تو اس لیے درخت لگاؤ، زندوں کو ضرورت ہے بھائی درختوں کی، مردوں کو درختوں کی ضرورت؟ بولو بھائی نہیں، زندہ کو ضرورت ہے درخت کی، تاکہ وہ تھوڑے دن اور زندہ رہ سکے وہ بیچارہ. تو دوسرا انہوں نے کیا، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے. یہاں میں ایک تھوڑا سا مسئلہ بتا دوں، وہمی لوگ بہت ہوتے ہیں. اب وہمی یہ حدیث سن کے پیشاب کرنا ہی چھوڑ دیں گے، حقیقت بتا رہا ہوں یار، چھینٹنا پڑ جائے. تو حدیث کا مطلب فقہا سے سمجھنا چاہیے، فقہا سے. فقہا کہتے ہیں پیشاب کی جو بہت باریک باریک چھینٹیں ہوتی ہیں وہ معاف ہیں. یہاں وہ چھینٹیں مراد ہیں جو بالکل موٹی موٹی چھینٹیں ہوں، اور چونکہ ان کی عادت تھی کہ وہ بچا نہیں کرتے تھے، تو جب بار بار چھینٹیں پڑتی ہیں بار بار، تو کپڑا اتنا ناپاک ہو جاتا ہے کہ جس سے پھر نماز نہیں ہوتی. پھر نماز نہیں ہوگی تو یہ کبیرہ گناہ بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا؟ باقی بہت باریک باریک اگر چھینٹیں پڑ گئی ہیں تو وہ معاف ہیں، ان میں نہ پڑا کریں. حضرت زین العابدین جو تھے نا، مشہور امام گزرے حضرت امام زین العابدین اہل بیت کے، وہ کیا کیا کرتے تھے؟ جب انہوں نے پیشاب کے بارے میں حدیثیں سنی، ایک اور حدیث میں آتا ہے استنزہ من البول فإن عامة عذاب القبر منه، کہ پیشاب سے بچو اس لیے کہ اکثر عذاب قبر کس سے ہوتا ہے؟ پیشاب سے ہوتا ہے.
इसमें ये पेशाब भी दाखिल है। ख्वातीन जो घरों में बच्चों के पेशाब का ख्याल नहीं करती, बच्चों ने गद्दों में पेशाब कर दिया, कारपेट पे पेशाब कर दिया, ख्वातीन उसको साफ नहीं करती, जो नहीं करती उनकी बात कर रहा हूं। तो अब क्या होता है, उसी पे लोग आके बैठ रहे होते हैं, उसी पे गीले पांव लेके चल रहे होते हैं। तो ये वईद इन लोगों के लिए भी है, समझ रहे हो। ख्वातीन को चाहिए कि कुछ काम पैंपर करेगा, कुछ आप भी कर लें। पैंपर अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है, लेकिन बेचारा किसी दिन पैंपर लगा रहना भूल गया वो। तो अब क्या है कि अगर बच्चे ने कहीं बेड पे कर दिया, तो अब आप नीचे एक टब रखें और उस गद्दे पे ऊपर पानी डाल के पानी बहा दें। नीचे जब पानी गिरना शुरू हो जाएगा, दो तीन दफा ये अमल करें, तो वो गद्दा पाक हो जाएगा। अब उससे ख्वातीन कहती है तो गीला हो जाएगा, तो वो तो हो गया ना पेशाब से गीला। कितना आसान तरीका है पाक करने का। हम ये थोड़ी कह रहे हैं गद्दा उठा के ले जाओ, उसको ड्राई क्लीनर को दो। जहां पेशाब लगा हुआ है नीचे एक टब रखा, गद्दे के बेड के नीचे टब रखा, ऊपर जग डाला पानी से, जग या लोटा कोई भी चीज हो, दो तीन दफा उसको ऐसे किया, तो जब आर पार होना शुरू हो जाएगा तो पाक हो जाएगा। कारपेट पे अगर पेशाब हो गया है, कारपेट को नीचे से आप ले जाएं, कोई टब रख दें कारपेट के नीचे, ऊपर उसके पानी डालें, तो वो पानी जब नीचे बहना शुरू हो जाएगा तो कारपेट क्या हो जाएगा, पाक हो जाएगा। क्या ख्याल है। प्लास्टिक पे अगर पेशाब हो गया है, प्लास्टिक है उस पर अगर पेशाब कर दिया है, तो अब उसमें नीचे गद्दा वो नहीं रख सकते टब, तो उसका तरीका ये है कि पोछा लें, उसे उस पेशाब पे खुश करें, फिर उस पोछे को पानी से धो के नचोड़ें, फिर दोबारा उस पेशाब पे तीन दफा ये अमल करेंगे तो प्लास्टिक क्या हो जाएगा, पाक हो जाएगा। और अगर सीमेंट का फर्श है उस पे पेशाब हो गया, तो जब तक गीला है नापाक है, जब वो सूख जाएगा तो खुद बहुत बोल लो भाई पाक हो जाएगा, क्योंकि सीमेंट में चूना होता है, वो जरासीम को खुद बहुत खत्म कर देता है। फिर भी बेहतर है कि उसको धो लें, नजाफत भी कोई चीज होती है, कुछ नहीं होगा, कोई क्यामत नहीं आएगी अगर फर्श पे पेशाब कर दिया है तो उसको भी, क्योंकि जब तक गीला होगा उस वक्त तक तो नापाक होगा ना वो, तो धो लें उसको उसी वक्त। तो थोड़ा सा काम कर लेने से सेहत भी अच्छी रहती है, बच्चे भी पाक साफ रहते हैं, और अजाब खबर से भी हिफाजत होती है। सबको इसका ख्याल करना चाहिए। तो मैं ये बता रहा था हजरत जैनुल आबिदीन क्या करते थे, कि वो जब उन्होंने ये अजाब कबर की हदीसें सुनी, तो फिर उन्होंने एक शीशे का गिलास रख लिया, बोतल, कि उसमें पेशाब करूंगा ताकि छींटे ना पड़े। चंद दिन ये अमल किया, फिर उनको ख्याल आया कि मा फअल हाजा मन हुआ खैरुम मिन्नी, जो मुझसे बेहतर थे ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने इतनी एहतियात नहीं की है। यानी वो तो गिलास में या बोतल में पेशाब नहीं करते थे, तो मैं क्यों फिर इतनी ज्यादा एहतियात करूं। तो इसलिए ये मतलब नहीं कि आप वहमी बन जाएं और बार बार टॉर्च से छींटे चेक करना शुरू कर दें। वहमी क्या करता है, एक साहब का फोन आया, मैं सुबह उठते ही अपनी शलवार ना ऐसे लाइट के सामने रख के चेक करता हूं, सुबह उठते ही अपनी शलवार, कोई निशान तो नहीं लगा हुआ, कोई गंदगी निकली हो कोई। मैंने कहा कि यार सुबह सुबह कुरान का मुताला किया करो, करो मुनाजात मकबूला पढ़ लिया करो, शलवार का मुताला करना ये अच्छा काम है, क्या ख्याल है। सुबह सुबह उसके शलवार स्टडी हो रही है, तो बाकायदा स्टडी हो रही ना, शलवार पढ़ी जा रही है बाकायदा, शलवार का शलवार में PhD हो जाएगी एक साल के बाद, इतना माहिर हो जाएगा। तो छोड़ दो ये क्या गंदी हरकतें, अगर नजासत नजर आ रही है धो दो, नहीं आ रही तो बस नमाज पढ़ो जाए, उड़ के जो देखना शुरू कर देना को लगा तो नहीं। इतना नहीं बनाया शरीयत ने मुकल्लफ, ये वहमी और पागल होने की अलामत होती है, थोड़ा सा एहतियात कर लो बस ये जरूर। तो बात में जल्दी से समेट के खत्म करता हूँ। तो वहू अल अजीज उल गफूर, अल्लाह जबरदस्त गालिब है और अल्लाह खूब मगफरत करने वाला है उन लोगों की जो तोबा करना चाहते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि कबीरा गुनाहों में दाढ़ी काटना भी है, लेकिन उलमा इसको ज्यादा इसलिए बताते कि बहुत से लोग काट रहे हैं, लेकिन है बहरहाल कबीरा गुनाह। तो हिम्मत करके रखना शुरू कर दे, समझ रहे हो। और सबसे बड़ा कबीरा गुनाह तो क्या है, नमाज का कजा कर देना, और हुकूकुल इबाद में सबसे बड़ा कबीरा कत्ल करना इंसान को और वालदैन को सताना, ये अकबरुल कबाइर हैं, यानी कबीरा में भी जो बड़े कबीरा गुनाह है। तो हमें, हमारी जिम्मेदारी है हम गुनाहों से तौबा करें और फराइज और वाजिबात को आसान तरीके से पूरा करें। ये पूरे इस्लाम में दाखिल होना पड़ेगा, फिर कोई कोताही हो तो अल्लाह से तौबा कर ले, फिर दोबारा कोताही हो जाए फिर तौबा कर ले, फिर कोताही हो जाए फिर तौबा कर ले, ये तरीका रहेगा तो फिर अल्लाह ताला के वादे हैं, अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरियां हैं, नहीं तो फिर खुशखबरियां नहीं है। ये हमारी गलत फहमियां हैं जिनको हम खुशखबरियां समझ लें। अल्लाह ताला हम सबको सगायर कबायर गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए।